frequent use of alcohol based hand sanitizer can cause severe skin conditions. वो इफेक्टिव है जर्म्स किलिंग में, बैक्टीरिया किलिंग में, लेकिन यूज एक्सेस में किए जाएंगे जो कि कर ही रहे हम लोग, तो सीवियर हैंड डर्मेटाइटिस हो सकता है. उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ऑल एंटीसेप्टिक सोप्स कंटेन हार्श केमिकल्स. उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के एंटी सेप्टिक सोप्स, चाहे वो एंटीसेप्टिक साबुन बार में आता है या लिक्विड में आता है, वो साफ बताते हैं कि उनमें बहुत हार्श केमिकल्स हैं और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर उन्होंने बताया इसके लिए माइंड होना चाहिए, मॉइस्चराइजर्स लगातार लगाने चाहिए ताकि स्किन हाइड्रेट रहे. और उन्होंने कहा कि 20 सेकेंड हैंड वॉश नेसेसरी है कोरोना वायरस को हटाने के लिए. इन चीजों को अगर बात करें तो इन्होंने बताया जिन लोगों की स्किन हेल्दी है, इवन फॉर पीपल विद हेल्दी स्किन, एक्सेसिव हैंड वॉशिंग विद सोप्स, अगर आप साबुन से ज्यादा हाथ वॉश कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो आपके हाथों का ड्राई आउट होके क्रैक करने का खतरा भी बढ़ जाएगा. रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ वॉश करना, क्योंकि हम बार बार वॉशरूम जाते हैं तो हाथ साफ करते हैं, खाना खाते हैं तो हाथ साफ करते हैं. ये बोलते हैं कि बार बार हाथ साफ करने से आपका जो स्किन बैरियर है वो ब्रेक हो सकता है और आपको इन्फेक्शन का रिस्क उल्टा और बढ़ सकता है. और ये ड्राइंग इफेक्ट छोड़ते हैं स्किन के ऊपर, जिससे स्किन के नेचुरल ऑयल्स के एवेपोरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ने डर्मेटोलॉजिस्ट के माध्यम से, त्वचा विशेषज्ञों के माध्यम से इस आर्टिकल को प्रचारित और प्रसारित किया. आज हम सब लोग कोरोना टाइम पे तो थे, बट हमारी जनरल हैंड प्रैक्टिसेस है कि हाथ में कुछ भी गंदगी आई, हम कहीं भी अनइजी फील करते हैं तो हम जाते हैं और उस चीज को हम लोग आपका हैंड वॉशिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब इस सिचुएशन के अंदर एक परफेक्ट हैंड वॉश की जरूरत है. हैंड वॉश का बाजार भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है. आप हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, अपनी इंडस्ट्री की पूरी की बात करें, या हम ट्रेडिशनल बाजार की बात करें, हर एक जगह पे हैंड वॉश मौजूद है. लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस किस चीज का करना, जो डर्मेटोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि सबसे पहले ये चेक करिए कहीं उनमें हार्श केमिकल्स तो नहीं. हार्श केमिकल्स लाइक आपका सोडियम लोरियल सल्फेट तो नहीं है, SLS तो नहीं है, SLES तो नहीं है, सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट तो नहीं है, पैराबेंस तो नहीं है, हार्श केमिकल्स को कंपनी यूज नहीं कर रही हो, EDTA जैसे कार्सोजेनिक सब्सटेंस नहीं होने चाहिए जो कैंसर पैदा करते हैं, सबसे बड़ी बात ट्राइक्लोसिन जैसे सब्सटेंस नहीं होने चाहिए. इन सब चीजों के अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट जानना चाहते हैं कि आप लोग अपने स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो इन चीजों से दूर. लेकिन बाजार में जब हम नजर डालेंगे तो शायद ही पूरे बाजार में कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिले जिसका इंग्रेडिएंट आप पढ़े उसमें EDTA, SLS, SLES ये चीजें मौजूद ना हो, ट्राइक्लोसिन जैसी चीजें मौजूद ना हो. तो मार्केट में एक 100% सॉल्यूशन जो था वो एब्सेंट था और हार्मफुल सॉल्यूशंस से बाजार भरा पड़ा. इससे बढ़िया आदमी पानी से हाथ साफ कर ले, राख से हाथ साफ कर ले, क्योंकि कम से कम उनसे त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचता, शरीर को कैंसर होने की संभावना नहीं पहुंचती. हैंड वॉश में केमिकल्स और भी ज्यादा खतरनाक प्रोडक्ट हो जाता है. एक बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी की हम जानते हैं, हैंड वॉश हमारे घरों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, तादाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हैंड वॉश उल्टा हमारा सस्ते से सस्ता इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि बड़ी मात्रा में यूज होगा. हम कभी ये दिमाग नहीं लगाते कि हैंड वॉश क्योंकि बहुत मात्रा में यूज होगा, नहाने का साबुन दिन में एक बार यूज होगा, टूथ पेस्ट एक या दो बार यूज होगी, लेकिन हैंड वॉश आप दिन में 10 से 20 बार 30 बार भी यूज कर जाते. हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हैंड वॉश है, कम से कम वो तो बिल्कुल सस्ता नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें केमिकल्स हैं तो उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा, रिपीटेटिव एक्सपोजर को. हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट रखता हूं चीजों को, बहुत से लोगों का ये सवाल आएगा कि आपके हैंड वॉश के यूज करने से हमारे मंथली बजट में
150-200 रुपए का डिफरेंस हमें लग रहा है आएगा। तो मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस बात को इस तरीके से भी टैकल करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मानेंगे कि बॉस ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत गाढ़ा है, थिक है, तो आप इसको वाटर में डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे। मैं एडवाइस करूंगा बहुत कम क्वांटिटी में लें, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोल रहा हूं, फिर भी महीने के 100-125 रुपए के बजट को हम नहीं टाल सकते, ये सच्चाई है। बिजनेस व्यापार वो नहीं है जो सब लोगों को प्रोडक्ट मुहैया कराए, बिजनेस और व्यापार वो भी नहीं है जो झूठ बोल के चीजों को मुहैया कराया जाए या हम अपने कंज्यूमर्स को करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उत्पाद हैं। हैंडवॉश ना तो हमारा इंजन उत्पाद है, ना ही हैंडवॉश हम लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिस पे सारा सब कुछ व्यापार का बेसिक टिका है, लेकिन हाँ हमारा चरित्र कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दो प्रोडक्ट कम भी बिके कोई परेशानी नहीं है, दो प्रोडक्ट लोग कम भी खरीदें कोई समस्या नहीं है, ना कंपनी ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की यह नियत होनी चाहिए कि हम लोग कम खरीदे, वो हमारे कंज्यूमर हर कोई खरीदे। सी सच बोल के जो काम किया जाएगा उसकी ताकत अलग है। हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि हम अपना उत्पाद क्या बना रहे हैं, आपको देना क्या चाहते हैं। 100-150 रुपए का फर्क पड़ेगा, अगर वो अनअवॉइडेबल है तो वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इन एनी गिवन डैम केस यू कांट चेंज दैट। और कोई चीज अगर एक्सपेंसिव है तो वो है, क्योंकि रीजन बिंग उससे सस्ता बनाने का हम लोगों का कुछ नहीं है। पब्लिक को हमारे से क्वालिटी की उम्मीद है, जो हमने टाइम दर टाइम हम लोगों ने अपने आप को एक्सपर्ट करके दिखाया। आज सस्ता बेचने के चक्कर में या ज्यादा लोगों को बेचने के चक्कर में वी सीरियसली कांट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट 10,000 पीस बिक रहा है, कोई 2,000 पीस भी बिके तो हम लोगों को चलेगा, हम लोगों को समस्या नहीं है, लेकिन हमारे कंज्यूमर को वही चीज मिलनी चाहिए जिस चीज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है हैंड वॉश जो हमसे उम्मीद करते हैं, जो लोग केमिकल फ्री लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो नाउ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल नेचुरल हैंड वॉश। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जो हम इसमें डाल रहे हैं, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है, एक्वस एक्सट्रैक्ट है, जिसने क्लिनिकल स्टडी में 0 मिनट से 15 मिनट में इफेक्टिव बैक्टीरियल कॉलोनीज को कम करके दिखाया था। हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं और जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं हार्मफुल उनको कम कर दिया था। तो इससे आप थोड़ा समय भी लगा सकते हैं, जितने समय ये हाथों के टच में रहेगा आपको एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट उतना ज्यादा महसूस होगा। उसके अलावा जो इसमें चीजें यूज की गई हैं वो है एलोवेरा फॉर मॉइस्चराइजेशन। तो जैसा डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा पहले हाथ धो फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, तो मॉइस्चराइजर और हैंड वॉश का दोनों का बजट आपका एक ही प्रोडक्ट में आ गया। आपको इस प्रोडक्ट से हाथ धोने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर एप्लीकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज ए गुड मॉइस्चराइजर। देन जो चीज हमने इसमें डाली है ग्रेप फ्रूट ऑयल, स्किन की हेल्थ को बेटर करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। उसके बाद लेमन फ्रूट ऑयल है, नींबू के सत का तेल है, उससे भी आपकी एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन आपको मिलती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। बर्गामोट फ्रूट ऑयल है, ऑरेंज फ्रूट ऑयल है, कोई भी फ्रेग्रेंस यूज नहीं है, और जितने भी बेस मटेरियल यूज किए गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपकी कंपनी एक एक बेस मटेरियल इंग्रेडिएंट को भी लिख के देती है कि बेस मटेरियल भी हमने क्या यूज किया है। 100% ट्रांसपेरेंसी, वो सभी उत्पाद इकोसर्ट सर्टिफाइड हैं, और जो भी सेफ कॉस्मेटिक की लिस्ट में है एक एक इंग्रेडिएंट उसी में से बेस मटेरियल में भी इस्तेमाल किया गया है। प्रोडक्ट का नेचुरल सिट्रस फ्रेग्रेंस है, बहुत ही शानदार, जो आप लोगों को एक अच्छी फीलिंग देता है। आप आराम से 1.5-2 मिनट हैंड वॉश करेंगे तो आपकी स्किन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रोवाइज होती जाएगी। और रही बजट की बात, जैसे मैंने कहा दर्जनाइन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस विचार को घोषित करती हो कि अगर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जबरदस्ती उसे हमारे सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। हम आपकी इस चीज का भी सम्मान करते हैं कि आप अपना घर कैसे चलाएं। देखिए अगर हम केमिकल फ्री चीज से जुड़े हैं तो हमें किसी को ये झूठ नहीं बोलना कि आप लिक्विफाई करेंगे, डायल्यूट करेंगे, प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, नहीं। अगर उसे क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाए तो हम अपने कंज्यूमर के साथ चीट कर रहे हैं। दारुजनाइन एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी ट्रांसपेरेंसी के कारण
हम एमएलएम में फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहे हैं, और जो लोग विश्वास करके हमारे साथ जुड़े थे आज उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पे स्केल्स भी बहुत ही अच्छे, हम डिस्क्लोज तो कभी नहीं करते हैं, बट आज इसी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 8-8, 10-10 लाख पहुंची है बहुत क्विक, और वो भी लोगों की दुआओं के साथ पहुंची। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाखों का चेक, कुछ बच्चे अभी आए थे फरवरी में, उनका भी 1-1.5 लाख का इनकम है, लेकिन ये इनकम सच्चाई का इनकम है तो ज्यादा बेहतर रहता है। आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कंज्यूमर को पूरी जानकारी दें, ये नहीं बोले कि हम हर बार रेट कंपेयर करने के लिए बैठे हैं, हम जेन्युइन प्रोडक्ट जेन्युइन बात बता के देना चाहते हैं। तो भी हिंदुस्तान में 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्वालिटी हैंड वॉश की जरूरत है। मैं मानता हूं 90-100 करोड़ लोगों को क्वालिटी हैंड वॉश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी कीमत नहीं समझते। अगर अपने परिवार के सामने देखेंगे तो 100-125 रुपए महीना कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो वो बेशकीमती है। तो वो सब एक अलग चैप्टर है। हमारी तरफ से भी ये फोर्स है कि इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, बेस्ट है मत खरीदिए। मैं सिंपल है, कोई बहुत महंगा नहीं है, लेकिन 100-125 रुपए महीने की भी अगर बात है तो मत खरीदिए। वो कोई भी अपलायंस आपको कभी ये नहीं बोलेगी कि हैंडवॉश किसी दूसरे का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी की भी आर्थिक परिस्थिति को हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को यहां पर ये इंसिस्ट जरूर करूंगा कि जबरदस्ती की प्राइस वॉर में तो हमें घुसना नहीं है, हम घुसते भी कभी नहीं है। हर आदमी के अपने अपने ब्रैकेट्स हैं, लेकिन जो क्वालिटी हैंडवॉश चाहता है, चाहे वो सचिवालय से चाहता हो, चाहे वो मंत्रालय से चाहता है, चाहे वो ISIPS हैं, चाहे RS हैं, चाहे बड़े छोटे बिजनेसमैन हैं, तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट के हर एक ब्रांड से बेहतर क्वालिटी देता है। ये आप गारंटी कर सकते हैं कि इंडिया का क्वालिटी में नंबर है 1 हैंड वॉश है। मॉइस्चराइजेशन ले लीजिए, एंटीबैक्टीरियल एक्शन ले लीजिए, जब भी कंपैरिजन होगा तो देयर इज राइट नाउ नो प्रोडक्ट इन द मार्केट हू इज स्टैंडिंग बाय अस, कोई मुकाबला ही नहीं है प्रोडक्ट का। तो इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगेगा तो एग्जैक्टली 100-125 रुपए भी महीना कॉस्ट नहीं करेगा। बट हमारी हैबिट हमेशा से जिंदगी में एक चीज रही है, छोटी सोच के लोग कभी बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे कंज्यूमर का एक बेसिक माइंडसेट रेडी रहे, हम अंडर कमिट करें, ओवर डिलीवर करें। आज अगर हम बोल रहे हैं कि 100-125 रुपए का बजट है, और व्यक्ति महसूस करता है कि ये बजट 20-25 रुपए का ही था महीने का, तो उन्हें बेहतर लगता है। लेकिन आप 50 रुपए बोल के 100 रुपए का बजट आता तो थोड़ा दुख होता है। तो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन सेटिंग उतनी करनी चाहिए जिसे हम निभा सकें। हमारे पास सैकड़ों प्रोडक्ट है जिनको पब्लिक पसंद कर रही है, दिल से लगा रही है, बार बार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है, झूठी जस्टिफिकेशन करके कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। प्रोडक्ट के गुण बताइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग खुद के लिए बोलेगी, प्रोडक्ट का यूज खुद के लिए बोलेगा, एंड क्वालिटी लवर्स के लिए दिस इज द सुपर फैंटाबुलस प्रोडक्ट। पूरे भारत देश में इसकी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट उनको मिल नहीं पाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, घर घर की जरूरत है वैसे, और बेसिक मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस का 2-5% जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि बार बार जब ऐसे आर्टिकल पब्लिश होंगे तो लोग समझेंगे कि 10 गुना केमिकल एक्सपोजर का खतरा है हैंड वॉश से, तो एटलीस्ट वो घर में सेफ रहना बहुत जरूरी है। और इसकी प्रोटेक्शन भी लंबी है, क्योंकि ऑयल बेस्ड है तो मॉइस्चराइजेशन लंबा है, तो इफेक्ट भी लंबा है। लेकिन नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लोगों का ऐसा है जो पूरी मार्केट को हिला के रख देगा, पूरी मार्केट को चौंका देगा। दैट प्रोडक्ट इज पेन रिलीफ ऑयल। पेन रिलीफ ऑयल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सुपर इकोनॉमिकल है, जिस क्वालिटी में बनाया गया है, मतलब मार्केट के केमिकल बेस्ड जिनमें तारपीन ऑयल डाला हुआ है, आपका LLP डली हुई है, लाइट लिक्विड पैराफिन यूज किया गया है, ऐसे ऑयल जो प्योर केमिकल से बने हुए हैं, उनके प्राइस भी आज की तारीख में 400-450 रुपए 100 ml मिलता है। वहीं पर आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कंप्लीटली 100% असेंशियल ऑयल से बना, जितना भी एक्टिव है वो सुपर हाई ग्रेड इंग्रेडिएंट है। और सबसे बड़ी खूबी की बात ये है कि इस प्रोडक्ट को रूम में बैठा के किसी एक आदमी को अप्लाई करेंगे तो पूरे कमरे में, क्या पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू होगी। द कॉन्टेंट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स वो अपने आप को डिलीवर करता है। पेन एक ऐसा मुद्दा है जो आज सब घरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें यूजुअली है हेडेक, सर का दर्द, माइग्रेन,
कमर का दर्द, लो बैक पेन, मस्कुलर मसल्स का पेन, आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, बच्चे जब खेलते हैं चोट लग जाती है, गुमचोट लग जाती है, वो दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल का पेन, इस प्रकार के बहुत सारे पेन है और किसी ना किसी घर में कोई ना कोई पेन डेफिनेटली होगा। इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स क्लिनिकली स्टडीड इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए थे और उन इंग्रेडिएंट्स की अगर हम स्टडी करें तो मस्कोस्केलेटन डिजीज के अंदर केवल 8 दिन के अंदर रिजल्ट मिला था प्रोडक्ट को, 66 लोगों पे रेंडम ट्रायल हुआ था और 8 दिन के अंदर उन्हें अपने मसल्स और स्केलेटन मसल्स प्रॉब्लम्स के साथ में जो इश्यूज था मात्र 8 दिन में रिजल्ट आया। माइग्रेन के केस में 12 से 15 दिन के अंदर 35% से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई। स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर एप्लीकेशन के 5 मिनट के अंदर रेडियल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया, जिससे कि इमिडिएट पेन रिलीफ भी बंदों को मिला। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के अंदर 28 दिन की रिहेल कर लिया जाए वाया पैसिव, एक्टिव नहीं, मतलब इसको तेल में डाल के नहीं, कहीं बर्न करके नहीं, अगर ये वातावरण में उड़ता रहता है और अगर उस वातावरण में सांस भी ली जा रही है तो 3 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर हाई बीपी भी कंट्रोल होगा और उसका भी स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें डला हुआ है। नीलग्री ऑयल डला हुआ है जो सर्दियों में आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, नाक खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, छाती पे इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, कफ रिलीफ में इस्तेमाल होता है, सुपर्ब रिजल्ट्स आते हैं। तो हेडेक से लेके माइग्रेन, आपका लो बैक पेन, सर्वाइकल का पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन, मस्कुलर पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज, इन सब केसेस के अंदर हम इस तेल को इस्तेमाल करा सकते हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे हल्के हाथ से रब किया। सबसे बड़ी बात है कि ये 100 ml की बोतल अगर आप डेली अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी पेन में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से 6 महीने कहीं नहीं जाती, बहुत ही कम लगता है, सुपर इफेक्टिव है। और जिन लोगों को जनरली कभी कभार जरूरत पड़ती है तो हमें लगता है शायद 100 ml की बोतल 2 साल 2.5 साल भी खत्म नहीं होगी। तो आज सुपर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, सुपर सुपर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। तो अब आपको अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, माइग्रेन के लिए अलग, सर दर्द के लिए अलग, कमर दर्द के लिए अलग, जोड़ों के दर्द के लिए अलग, सर्वाइकल पेन के लिए अलग, इन सब चीजों में आपको किसी चीज की नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट हर्ब्स एंड हिल्स का पेन रिलीफ ऑयल इन सब चीजों पे इकट्ठा काम करेगा, 100% नेचुरल काम करेगा, कफ में भी काम करेगा, आपको चेस्ट रब में काम करेगा, ट्रॉपिकल है, इनहेलेशन पे काम करेगा, आप बॉडी मसाज के लिए यूज कर सकते हैं फॉर पेन रिलीविंग एंड अदर इश्यूज, पैरों के तलवे पे मसाज करेंगे तो स्ट्रेस को रिलैक्स करेगा, और जैसा मैंने इवेंट में भी कहा था, दिल के दर्द को छोड़ के बाकी हर दर्द पे मेरे हिसाब से 100 में से 95% लोगों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। दिल के दर्द पर भी काम कर सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, वो जगजीत सिंह के गाने के साथ सुनते सुनते पैरों के तलवे पे मालिश कराएंगे तो थोड़ा सा अच्छा अनुभूति होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा मार्केट सा। और एक बोतल हमेशा अपने साथ, गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी में कैरी करें, बैग रखते हैं तो बैग में कैरी करें, क्योंकि मान लीजिए कभी किसी को चोट लग गई, पेन हो गया और आपने इंस्टेंटली अप्लाई कर दिया तो हो सकता है आपको जिंदगी भर के लिए एक ग्राहक भी मिल जाए। हमें, हमारे को खुद भी नहीं पता होता कब सर दर्द होगा, कब माइग्रेन पेन हो जाएगा, कब बाकी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे कोई चोट लग जाए, लेकिन अपनों के लिए, दूसरों के लिए अगर हम इस प्रोडक्ट को लेके घूमते हैं तो मुझे लगता है अगले 2 से 4 साल में शायद एक ड्रीम मार्केट बना देगा। और अगर ये हैबिट बन जाती है तो एक फर्स्ट एड है जो मौके पे हर किसी जगह मौजूद है। स्वेलिंग पे भी बहुत बढ़िया काम करेगा मैम। दूसरी बात, बेटर एप्लीकेशन के लिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूं, वैसे तो आप रब करेंगे 2 से 3 मिनट उसके बेहतर परिणाम आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करके हल्के हाथ से मालिश करके उसके बाद अगर इस प्रोडक्ट को आप तौलिए से, गर्म तौलिए से या इसे ऐसे किसी चीज से सेक लगा दें और ढक के रखें तो इस प्रोडक्ट के कहीं बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। उस एरिया को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए ताकि और बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो सके, हल्की गर्माहट की जरूरत है, आप सूती कपड़े से या सेंधा नमक से भी सिकाई कर सकते हैं,
इस तेल की एप्लीकेशन के बाद सिकाई से वंडरफुल रिजल्ट आएगा, स्पेशली पीपल हु आर सफरिंग इन सर्वाइकल। फ्रोजन शोल्डर पे भी बहुत बढ़िया काम करेगा। जो लोग पैरालिटिकल में हैं उनकी मालिश के लिए यूज करेंगे, सुपर्ब रिजल्ट आएंगे। जलन नहीं होगी मैम, कैप्सिसिन हमने इसीलिए यूज नहीं किया है। कैप्सिसिन ऑलरेडी बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट होता है पेन रिलीविंग के लिए, लेकिन क्योंकि जलन ना हो इसलिए हमने कैप्सिसिन यूज ना करके एक बहुत डिफरेंट R&D करके फॉर्मुलेशन किया है जिसमें आपको जलन बिल्कुल नहीं होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। और रिजल्ट इफेक्टिवनेस बाकी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा है। इस चीज का हमने स्पेशल ख्याल रखा है ताकि छोटे बच्चों को भी हम अप्लाई कर सकें। लेकिन सर पे जब आप लगाए तो ये ध्यान रखिएगा आई एरिया से थोड़ा बचा के लगाइएगा, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल है, वरना इसकी जो जिसे हम बोलते हैं जल या हम बोलते हैं कि इम्पैक्ट, वो आपकी आंखों तक जरूर आएगा। तो आईज को इरिटेट जरूर कर सकता है। 100% एसेंशियल ऑयल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक तो मात्रा बड़ी सीमित लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे बहुत ज्यादा तेल तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, मतलब वो मार्केट वाला डाइल्यूशन नहीं है कि आधा 1% एक्टिव डाल के 99% LLP भर रखी है या तारपीन का तेल डाल रखा है या कोई भी तेल डाल के, बस 1% इंग्रेडिएंट है। बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रखे हैं इसके अंदर। तो आपका 20% तो विंटर ग्रीन ऑयल है, यानी 40-50% का एक्टिव है। मार्केट के नॉर्मल तेल के मुकाबले 30-40 गुना ज्यादा एक्टिव है। तो आपको उतनी ही एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। बहुत कम क्वांटिटी बहुत शानदार काम करेगी। आप सभी डॉक्टर्स को फार्मेसी पे चला सकते हैं, और जिस तरीके से हमारे बाकी प्रोडक्ट्स ने एकदम से मार्केट टेक ओवर किया था, ये एक प्रोडक्ट है जो मार्केट टेक ओवर करेगा। सबसे बड़ी बात यह कि किसी के घर पे आप लेके जा सकते हैं, तो बेचने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से बोलिए आज मैं अप्लाई कर देता हूं, थोड़ी सी आप सिकाई करिए, अगले दिन आपके प्रोडक्ट का 100 में से 90% से ऑर्डर आ जाएगा, दैट्स अ कंफर्मेशन। तो लोगों को हेल्प करके, पहले रिजल्ट डिलीवर करके भी हम लोग प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो घुटने के दर्द के लिए बिल्कुल मैम, छोटे बच्चों की भी मालिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पेन ऑयल नहीं होता और कफ कम नहीं करना होता, तो उन्हें स्पोंडलाइसिस में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर पैर के घुटने में पुराने दर्द में काम करेगा। सिर दर्द में पूरे सर में लगाना नहीं, थोड़ा सा यहाँ माथे पे अप्लाई करिए, टेम्पल्स पे अप्लाई करिए, एंड यू विल गेट रिजल्ट। कम से कम कितनी उम्र तक के बच्चे हम प्रयोग कर सकते हैं? एक दिन के बच्चे को भी प्रयोग किया जा सकता है। बालों में नहीं लगाना है, कोई जरूरत नहीं है। माइग्रेन से रिलीफ परमानेंट होगा? जी सर, धीरे 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 परमानेंट रिलीफ होगा और वो माइग्रेन जाना चालू हो जाएगा, राइट? सो ये जो प्रोडक्ट है, प्राइस भी बहुत शानदार है, बिजनेस वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, जरूरत भी घर घर की है। और सबसे बड़ी बात जिस चीज से मैं मोटिवेटेड हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की दुआएं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस करते हुए ये है कि मैं सोसाइटी को क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। वो लोग जो मेहनत करके अपने पसीने की गाड़ी कमाई हम लोगों पे, हमारी जैसी कंपनियों पे विश्वास करके देते हैं, क्योंकि मैंने जगह जगह कैंपेन किया है कंज्यूमर अवेयरनेस का। जी मकवाना साहब, जिनके सर में आधा दर्द होता है, आधा सीसी रोग बोलते हैं उसको, उसी को माइग्रेन बोला जाता है, उसमें काम करेगा। चोट के ऊपर लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल है तो फायदा होगा। वेन्स के भी जो पेन है उसमें भी दे सकते हैं, उसमें भी हेल्प करेगा नवीन जी। चोट लगने कटने का प्रोडक्ट नहीं है सर ये, चोट लगने पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं है उसके लिए, आपका GIT ज्यादा काम कर देती है। लेकिन मैं खैर अपना बात कर लूं, मैं फिर आप लोगों से बिल्कुल जरूर करूंगा। बहुत सुपर एक्साइटिंग प्रोडक्ट है सर, और घर घर की जरूरत है आज की तारीख में। हम सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? मैंने कंज्यूमर अवेयरनेस का कैंपेन किया पूरे इंडिया, कंज्यूमर्स को बताने की कोशिश की है कि आप पढ़ते लिखते हैं तो इंग्रीडियंट्स को पढ़िए, प्रोडक्ट को चुनिए। लेकिन फिर भी तो जितने भी ऐसी चीजें हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के कैंपेन के लिए जो हमने करी, उन सब में एक बात बड़ी कॉमन है कि कंज्यूमर धीरे धीरे अवेयर और अपनी चीजें सीख भी रहा है, लेकिन अपने पैसे का, मेहनत के पैसे का लोग विश्वास करके देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाना मुसीबत है, घटिया प्रोडक्ट बेचना आज की तारीख में कला नहीं बची। बढ़िया प्रोडक्ट बनाना, बढ़िया प्रोडक्ट बताना, बढ़िया प्रोडक्ट प्रमोट करना जरूर एक स्ट्रगल है, जरूर एक आर्ट है, जरूर एक कला है। घटिया प्रोडक्ट बेचना करना ये पहले से चला रहा था।
लेकिन नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे को रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट याद आता है जब उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हमें बोला कि सर कंज्यूमर अनअवेयर है, कंज्यूमर नॉलेजेबल नहीं है, कंज्यूमर को इजीली मिसगाइड किया जा सकता, प्रॉफिट बनाया जा सकता है और सभी कंपनी कर रहे हैं, कंज्यूमर बेवकूफ है। तो रतन टाटा जी ने उस दिन जवाब दिया था अपनी टीम को, बोले कंज्यूमर बेवकूफ है, हम बेवकूफ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मूर्ख है या अज्ञानी है या अनअवेयर है तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को कि उसके अज्ञान का फायदा उठाए। कंपनियां क्या करती हैं, लोग तो इंग्रेडिएंट देखते नहीं है, बस पेन ऑयल लिखिए, कुछ भी रेट करिए, आदमी महंगा सस्ता देखता चीजें उठा लेता है। ऐसे टाइम पे जिम्मेदारी बनती है कंपनी और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की कि वो हमेशा क्वालिटी ही दे। कंज्यूमर देर नहीं तो सवेर रिजल्ट समझ जाएगा, लेकिन घटिया क्वालिटी देंगे तो वो देर सवेर ये भी समझ जाएगा कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए। कंज्यूमर जो भी समझता है थोड़ा देर से समझता है, ये कुछ समस्या है। लेकिन वो क्या करेगा, वो अच्छा प्रोडक्ट खरीदेगा तो भी देर से समझता है कि मुझे जरूर खरीदना चाहिए, और अगर वो नहीं खरीदता है तो भी थोड़ी देर से समझता है कि मुझे घटिया भी नहीं खरीदना चाहिए था। तो कंज्यूमर को तो देर से समझना होता, वो समझ लेगा, लेकिन बिजनेस उसी का बड़ा रहता। आज दर्जनाइन का हर प्रोडक्ट आता ही हिट होता है। मुरु एक बड़ा लोट आया था, फिर भी हमारे यहाँ पे 12 दिन में स्टॉक आउट हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं था कि पीपल वर क्रेजी, पीपल वर ट्रस्टवर्दी, लोगों को पता था कि दर्जनाइन का प्रोडक्ट है गलत हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट यकीनन अच्छा होगा। जहां जहां तक के लोगों ने प्रोडक्ट छुआ भी नहीं, चेक भी नहीं करा, उन लोगों ने ऑर्डर किया, डायरेक्टली मंगवाया। बहुत से लोग जो हमारे कंज्यूमर, उन्होंने कहा तुम्हारा नया प्रोडक्ट आया तो हमें चाहिए। ये जो विश्वसनीयता हमने 4 साल में कमाई है, यही हमारा एसेट और यही हमारा करियर है। बहुत से लोग पूछते हैं सर क्या हम अपना करियर देख सकते हैं, अगर आपके हर आने वाले प्रोडक्ट को कंज्यूमर आगे से बढ़ के स्वीकृति देता है कि आपके पिछले सभी प्रोडक्ट शानदार थे, अगर आज के बाद पेन ऑयल आपका आया तो पेन ऑयल भी आपका लगाऊंगा, आपका इस्तेमाल करूंगा, इसी को लॉन्ग टर्म करियर बोला जाता है। एक ही व्यक्ति को एक बार प्रोडक्ट बेचना चोरी हो सकता है, धोखेबाजी हो सकता है, सच्चाई हो सकता है, चकारी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप एक बार एक व्यक्ति को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन व्यापार वही है जो बार बार है। एक बार है तो व्यापार नहीं है, बार बार है तो व्यापार। एक आदमी आपके प्रोडक्ट पे मोहित हो गया, आपके प्लान पे नहीं, आपकी इनकम पे नहीं, आपके प्रोडक्ट पे मोहित हो के अगर कंज्यूमर बार बार ऑर्डर दे रहा तो आप व्यापार कर रहे हैं। और अगर हम बार बार कर रहे हैं, एक बार कंज्यूमर ले रहा है तो आप प्रचार कर रहे हैं। प्रचार और व्यापार के बीच का अंतर केवल एक ही जगह है। प्रचार से कोई चीज एक बार बेची जा सकती है, एक व्यक्ति को एक बार। प्रचार अगर लाउड होगा, प्रचार बड़ा होगा, चाहे मार्केटिंग होगी, चाहे चलाया जाएगा, तो एक बार एक प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं एक व्यक्ति को, लेकिन बार बार प्रचार से नहीं बिकेगा, बार बार व्यापार में बिकेगा जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। तो दर्जनाइन के साथ जो विश्वास हम लोगों ने बनाया, आप इतने बेहतरीन लोग साथ जुड़े और इतनी पब्लिक तक हम पहुंचे और उन पब्लिक ने हमारे लिए दुआएं दी, लोगों ने कहा कि वाकई में तुम्हारे प्रोडक्ट शानदार हैं, और आज क्वालिटी का दूसरा नाम दर्जनाइन बन चुकी है। आज तो ट्रेडिशनल मार्केट के लोग इस चीज की तारीफ करते हैं कि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी लेना तो उस दर्जनाइन से लिया जाना चाहिए। ये जो कमाई हम सब लोगों ने मिलकर करी है, मुझे लगता है 5 साल बाद जो इसका रिजल्ट दिखेगा तो कोई डाउट नहीं कि हमारे यहाँ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जिसने आज मेहनत किया है, घरों तक पहुंचा है, वो इसी क्रेडिबिलिटी, इसी ब्रांडिंग के दम पर कल का भविष्य का बहुत बड़ा रॉक स्टार भी होगा। आज हमने पब्लिक के विश्वास की दौलत हासिल कर ली है जो 22-25 साल में बड़ी से बड़ी कंपनी के हाथ में लगी। 25-25 साल से कंपनियां और उनके लोग मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन 25 साल में कंज्यूमर्स का विश्वास नहीं जीत पाए थे। 4 साल में पहली बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने कंज्यूमर्स का विश्वास जीत के दर्जनाइन ने साबित कर दिया कि हम पहले दिन से जिस सोच के साथ उतरे थे वही सोच कल का संविधान बने। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो सभी सपने जिसको देखकर हमने दर्जनाइन बिजनेस को शुरुआत किया था, दर्जनाइन के साथ बिजनेस की शुरुआत की थी,
हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के उन सपनों को पूरा कर पाने में कामयाब होंगे, क्योंकि पब्लिक का विश्वास, पब्लिक की दुआएं बिना किसी संदेह के आज हमारे साथ हैं। और उन सभी कंज्यूमर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे किया है, हम उस विश्वास को आपके लिए हमेशा जिंदा रखें। और जैसा मैंने कहा था कि हमें दारू चुनाव को नंबर वन कंपनी नहीं बनाना है, हम इसको बेस्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। हम सबसे ज्यादा बिकने वाला तेल नहीं बनना चाहते, हम सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला तेल बनना चाहते हैं। हम सबसे ज्यादा सबसे सस्ता हैंडवॉश नहीं बनना चाहते, हम सबसे बेहतरीन हैंडवॉश बेचने की या बनाने की परिकल्पना करते हैं। कि कोई पूछे कि सबसे बेहतरीन क्या है, तो बोले कि सबसे बेहतरीन दारू चुनाव का हैंडवॉश है, हर्ब्स एंड हिल्स का हैंडवॉश है। ये परिकल्पना हमारी है कि हम जब भी बिके बेस्ट बिके, ना बिक पाए कोई बात नहीं, कम भी बिकेंगे चलेगा, लेकिन जिसको बिकेंगे उसकी दुआएं हासिल करेंगे, गालियां हासिल करेंगे। तो आप सब लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिलिंग स्टार्ट है, प्रोडक्ट डिस्पैच स्टार्ट हो चुके हैं, और सभी में प्रियांशी जी सभी प्रकार के पेन में हेल्पफुल होगा। 70 साल के जोड़ो लोगों को भी दे सकते हैं, 5 साल वालों को भी दे सकते हैं, और आई थिंक और अभी कोई नहीं है। प्राइस सर कभी भी हम लाइव मीटिंग में ओपन नहीं करते हैं, ये बड़ा सिंपल है, आप लोग अपने डैशबोर्ड पे चेक करेंगे तो इसकी प्राइसिंग आ रही है। और ऑनलाइन हम कभी भी नहीं करते हैं। आपकी मम्मा को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें बेटा जरूर काम करेगा वर्षा जी। पैरों के तलवों में जो जलन होती है तो लगा सकते हैं क्या, थोड़ा आराम आएगा, लेकिन उसमें मिथाइल कोबलामिन का कॉम्बिनेशन यूज करिए, 10 दिन में आपको आराम आ जाएगा। माइग्रेन वाले को शुरुआत में रोज लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। सूजन कम करने के लिए इसको और हल्दी को बिल्कुल दे सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी में भी सर काम करेगा क्या, बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल काम करेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप अब आपका बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि पेन ऑइल जैसा प्रोडक्ट आपकी किटी में है, हैंडवॉश जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट आपकी किटी में है। और प्रोडक्ट को कुछ भी जज करने से पहले मैं एक ही बात जरूर कहूंगा, कीमतें वीमतें सब पता लग जाएगा। एक बार प्रोडक्ट को मौका देके देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और कोई डाउट इंक्वायरीज रह जाएंगी तो आप कंपनी के नंबर पे पता कर सकते हैं, अदरवाइज जो मेरे पर्सनल उसमें फेसबुक पे भी मैं वहां यूजली आंसर करता हूँ, तो हम कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।